अस्सलाम वालेकुम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे YouTube चैनल शाहिद मोबाइल्स में। एक बार फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो फ़ौरन उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आया जाए। तो इसी सिलसिले में आईटेल कंपनी का एक न्यू मॉडल जो IT2166 है मार्केट में आ गया है, तो हमने सोचा आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आते हैं और आपको बताएंगे इसके बारे में कि मोबाइल कैसा है। कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में तमाम बातें आपको तफसील के साथ बताएं। ये फ़ैसला आपने करना होता है कि मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। पहले इस डब्बे को खोल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस मोबाइल में हमें क्या क्या कुछ मिलने वाला है इस मोबाइल के साथ। सबसे पहले ये मोबाइल हमने निकाल लिया डब्बे से बाहर, और उसके बाद इसके अंदर हमें एक चार्जर मिल जाता है मोबाइल के साथ, और उसके बाद एक बैटरी मिल जाती है, और एक साल की वारंटी के साथ ये मोबाइल आता है, तो हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। मोबाइल को खोल लेते हैं हम और देखते हैं कि ये मोबाइल दिखने में किस तरह का है, कैसा लुक दिया है कंपनी ने। सबसे पहले ये स्टिकर उतारते हैं और ओवरऑल आपको लुक दिखाते हैं मोबाइल का दिखने में कैसा है। आइडल कंपनी जब भी अपना कोई भी मॉडल लॉन्च करती है तो उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। देखते हैं इस मोबाइल में कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें टॉर्च लाइट का बटन मिल जाता है दरमियान में, इसके ऊपर आईटेल की नंबरिंग मिल जाती है। गिलास जो है शीशा फ्रंट का वो मुकम्मल यहाँ तक ब्लैक कर दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा करता है। नोकिया के कुछ मोबाइल का डिज़ाइन इस तरह का हुआ करता था। और ऊपर की साइड देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक अदद टॉर्च लाइट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी टॉर्च लाइट बनाई गई है। बैक साइड पर यहाँ पर आपको आईटेल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो काफ़ी खूबसूरती में इजाफा करता है। और बैक साइड में जो कैमरे को डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल का डिज़ाइन आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। बराबर में आपको स्पीकर की डिज़ाइनिंग मिल जाती है। मोबाइल की निचली साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक हेडफोन के लिए जैक मिल जाता है और एक माइक्रो USB चार्जिंग जैक मिलता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। बैक कवर को खोल लेते हैं और मोबाइल को ऑन करके देखते हैं कि मोबाइल के ऑप्शन किस तरह के हैं अंदर से। और अगर मोबाइल की अंदर की साइड पर देखें तो दो जैकेट मिल जाती है हमें डबल सिम लगाने के लिए, और एक जैकेट मिल जाती है मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए। मोबाइल के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें बाकी आईटेल के मोबाइल में मिलते हैं, और इसमें कोई ख़ास एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दिए गए। अगर बैटरी की बात करें तो 1000 mAh की बैटरी इस मोबाइल के साथ मिल जाती है, जो चलने में काफ़ी अच्छा टाइम देती है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है हमें इस मोबाइल फ़ोन में। और अगर मेमोरी की बात करते हैं तो 4 MB की मेमोरी हमें इसकी रैम मिल जाती है, 4 MB एक्स्ट्रा मेमोरी मिल जाती है। 500 SMS आप अपने इस मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और 2000 तक आप अपने मोबाइल के नंबर इसमें सेव कर सकते हैं। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो 32 GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो 2 इंच का डिस्प्ले इसके साथ मिल जाता है, 2 इंच की स्क्रीन इस मोबाइल में मिलती है। इससे पहले आईटेल कंपनी के जो मोबाइल आते थे 1000 mAh की बैटरी के साथ, उसमें डिस्प्ले 1.8 होता था, काफ़ी छोटा डिस्प्ले होता था, और अब कंपनी ने 2 इंच का डिस्प्ले दे दिया है जो काफ़ी बेहतर है। आईटेल कंपनी ने कभी भी क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी हमेशा इनकी बहुत अच्छी होती है मोबाइल फ़ोन की, और मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अब आखिर में इस मोबाइल फ़ोन की कीमत की बात कर लेते हैं तो 2600 की रेंज में हमें ये मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है, काफ़ी अच्छी कीमत रखी गई है। तो कोई भी आम इंसान जो है वो इस बजट में इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।